दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं 27 के 27 नक्षत्रों की वीडियो का सेकेंड पार्ट मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसका जो भी जन्म का नक्षत्र हो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। और अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जोड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे ये जो गुरुदेव बृहस्पति का गोचर है जो 1 मई 2024 को होगा वो सिंह लग्न वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा। तो देखिए 1 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि से निकलकर आपके वृषभ राशि में यानी आपके दशम भाव में आ जाएंगे। तो ये एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। और अगर आप लोग देखोगे कि गुरुदेव बृहस्पति को आपकी कुंडली में कौन कौन सी जगह मिली हुई है तो देखिए आपके पांचवें स्थान के मालिक है और आपके एर्थ हाउस के मालिक है। और इस समय चले कहां गए, इस समय चले गए आपके 10th हाउस में। जिस राशि में जा रहे हैं वह वृषभ राशि और उसका मालिक है शुक्र, मतलब शुक्राचार्य की राशि में जा रहे हैं। अब दो विद्वान लोग एक जगह, मतलब गुरुदेव बृहस्पति का अपन, मतलब जो वो भी कौन से है, गुरु है, शुक्राचार्य भी गुरु है, तो उनके घर में जाना बहुत ही अच्छा साइन है आप लोगों के लिए। किस जगह के लिए, 10th हाउस में आपके गुरुदेव बृहस्पति आ रहे हैं। दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी, देखिए दृष्टि इनकी सेकंड भाव पे जाएगी और दृष्टि इनके छठे भाव में जाएगी। तो अगर आप लोग जो भी वर्क कर रहे हैं इस समय, चाहे हम जॉब में है चाहे हम बिजनेस में, तो आप जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो जाइए पूरे एक वर्ष के लगभग। मतलब ये गोचर एक मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक के लिए हो रहा है। तो आपको कहां कहां पर प्रॉफिट होगा ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जब गुरुदेव बृहस्पति 10th हाउस में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो भी वर्क आप कर रहे हो उसमें आपका प्रमोशन होना तय है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप क्या करोगे, हायर स्टडी में जाओगे। जो भी आपकी डिजायर है वो आपकी पूरी होंगी, कहां से, 10th हाउस से पूरी होंगी। इनकी जो दृष्टि पांचवी दृष्टि जा रही है वो जा रही है सेकंड हाउस पर, यहां पर बैठकर। सेकंड हाउस किस चीज का होता है, सेकंड हाउस होता है हमारे पैसे का, मतलब किस तरीके का पैसा, जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो हमारे अकाउंट में पड़ा है FD वगैरह की फॉर्म में। तो यहां पर जब आप ये देखोगे कि गुरुदेव ने इस समय कौन सा डिपार्टमेंट संभाला है आपका 10th हाउस और है किसकी राशि में, शुक्राचार्य की राशि में, मतलब कुल मिलाकर आपके जीवन में वैभवता बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, कैश इन हैंड आपका बढ़ेगा और ये आपके इन्वेस्टमेंट में जाएगा। चाहे आप लॉन्ग टर्म शेयर खरीद सकते हो, उसकी FD बना सकते हो। और आप सातवीं दृष्टि अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की देखते हैं तो वो हमारे 4th हाउस पे जाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो ये चीज, या कोई हमें जमीन खरीदनी है तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही बढ़िया इस समय मानी जा रही है। पांचवी दृष्टि जिसकी मैंने अभी आपसे चर्चा करी, उस जगह पर सेकेंड हाउस में केतु भी विराजमान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, केतु को एक्टिवेट कर देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का हाउस भी है, हमारी वाणी का हाउस भी है, जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं उसका। तो देखिए अगर हमारे संबंध कहीं हमारे कुटुंब से थोड़ा सा खराब हो रहे थे तो क्या होगा कि ये इस समय इनकी जो पांचवी दृष्टि है हमें हमारे परिवार के निकट लाएगी। मतलब एक जिसे कहते हैं ना जुड़ाव वाली बात, जो एक इस समय अलगाव आप देख रहे होंगे ना केतु की वजह से, तो यहां पर जो केतु की शरारत, या आप ये समझो केतु जिस काम को कैची की तरह काट रहे थे ना, रिलेशन आपके खराब कर रहे थे आपके कुटुंब से, तो ये आपको गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि केतु पर, और केतु कौन है, उनका चेला, मतलब उनका शिष्य है। तो उनकी दृष्टि जब इनके ऊपर पड़ती है तो केतु काम क्या करेंगे, आपके रिलेशंस को बहुत अच्छा मजबूत करने का काम करेंगे और ये आपके लिए एक बहुत ही सुखद, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा मन आपका होगा, क्योंकि मन के हाउस को 7th दृष्टि देख रही है। जब हमारे संबंध हमारे परिवार वालों से अच्छे होते हैं तो मन सुकून होता है, मन में सुकून आता है। दूसरी बात मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके हाथ में पैसा आएगा, जो आपके हाथ में पैसा कहां से आएगा, 10th हाउस की वजह से। तो इस पैसे को आप अच्छे से अच्छी जगह पर, जैसे FD ले ली, लॉन्ग टर्म शेयर, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते जाइए, जिससे आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बहुत अच्छा बनेगा। अब बात कर लेते हैं गुरुदेव बृहस्पति की जो नवी दृष्टि पड़ रही है वो 6th हाउस पर पड़ रही है। देखिए मान लीजिए
अभी जो हमारे सिंह लग्न वाले लोग हैं उनकी कहीं जॉब नहीं लगी है, तो वो जॉब के लिए ये जो इनकी नवम दृष्टि है बहुत अच्छी आपको साबित होगी। मतलब ये पूरा साल है आपके लिए, आप इसमें काम कीजिए आपको जॉब मिलेगी। पहली बात, एक होता है ना जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं और पॉलिटिक्स का हम लोग शिकार होते चले जाते हैं, क्योंकि सिंह लग्न वालों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस जगह पर वो काम करते हैं लोग उनको ऊपर से तो सपोर्ट करते हैं, ऊपर से सपोर्ट का मतलब उनके मुंह पे उनकी तारीफ कर देना, उनसे काम करा के लेके चले जाना, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं उनकी दुश्मनी जरूर निकालते हैं। तो ये एक बात है। तो यहां पर जो आपके हिडन शत्रु है, मतलब ऐसे शत्रु जो आपके सामने कुछ और हैं और पीछे कुछ और हैं, उनको नष्ट करने का भी काम करेगी ये आपकी नवम दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति की। तो ये एक बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना एक अच्छा सिस्टम आपके लिए देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्योंकि छठा हाउस हमारा रोग ऋण और शत्रु का भी है, तो इस समय आपको एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जब छठी मतलब जब नवी दृष्टि इनकी यहां पर आती है तो आपको ये देखना है कि हमें थोड़ा चेकअप वगैरह जरूर कराना है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत हमें दूर करना है, ये चीज आपको देखनी है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा, शत्रु पक्ष को दबाएंगे, रोग को आपको सामने लेकर आएंगे जिसका आप आराम से मतलब उससे निकलकर आप बाहर आ जाओगे। अगर आप किसी भी तरीके के किसी बीमारी में हो तो आपको क्या करेंगे, एक हेल्प प्रदान करेंगे बाहर आने की, क्योंकि ये जीवन देने वाला ग्रह जीवक ग्रह, ये चीज आपको समझनी है। और अगर आप ये चीज देखोगे कि जो पांचवी दृष्टि है गुरुदेव बृहस्पति, संतति का उत्पादन भी, मतलब जैसे अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे घर में किसी व्यक्ति का आगमन हो, चाहे या तो हमारे बच्चे के रूप में हो या हमारी मैरिज वगैरह हो जाए तो भी हमारे घर में एक सदस्य आता है, तो ये हमारा जो कुटुंब हाउस पे इनकी दृष्टि जा रही है उसमें बढ़ोतरी का भी काम करेंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति का ये जो गोचर सिंह लग्न वालों के लिए हो रहा है एकदम स्पेशल गोचर है। इस समय आपको जो भी काम करने हैं, मेरे मतलब कहने का है, काम करने का मतलब टेंथ हाउस में आए हुए बृहस्पति से आप जो भी वर्क लेना चाहते हो, जैसे आपकी जॉब नहीं लग रही तुरंत आप अप्लाई कीजिए, कहीं ना कहीं आपकी जॉब लगेगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा आपके अकाउंट में। दूसरी बात ये, जिस जगह हम लोग काम कर रहे हैं जो पॉलिटिक्स में हम लोग फंस जाते हैं उससे गुरुदेव बृहस्पति निकालने का काम करेंगे। दूसरी बात यह कि जहां भी आप लोग वर्क कर रहे हो एक चीज आप जरूर समझिए कि वहां केवल पॉइंट टू पॉइंट बात रखनी है आपको अपनी, आपको ना तो अपने घर की कोई बात वहां पर शेयर करनी है किसी भी व्यक्ति से। मान लो कि भाई मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करती हूं, ये सारा कुछ आपको अपने टेंथ हाउस मतलब जहां मैं जॉब करता हूं या करती हूं या मैं जहां बिजनेस करता हूं वहां मुझे अपने पर्सनल बातें किसी भी व्यक्ति से शेयर नहीं करनी है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। बाकी गुरुदेव बृहस्पति का जो ये गोचर है सिंह लग्न वालों के लिए एकदम बढ़िया गोचर है, आप लोग वर्क कीजिए, पैसा कमाइए, क्योंकि क्यों टेंथ हाउस का गोचर है, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। पूरा साल आपका गुरुदेव बृहस्पति यही रहेंगे और आप जो भी डिसीजन लोगे अपने कार्य से संबंधित, बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो बिजनेस का क्या होगा, फैलाव होगा, बहुत बढ़िया होगा। जिन लोगों को देखिए, अब ये फिफ्थ हाउस के मालिक भी हैं, जैसे जो लेडीज इस समय कंसीव करना चाह रही है तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा देखा जा रहा है। तो ये सारी बातें मैंने सिंह लग्न के लिए कही। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।